पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद। इमरान दे नारे बचेंगे। पट्टी साहब जिंदाबाद। पट्टी साहब जिंदाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद। आप लोगों ने जो मेरे पे एतमाद किया, मैं तहे दिल से उसका शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में खुदा की मेहरबानी से आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग मिनोरिटी ग्रुप जो है वो हर तरह से पार्टी के शाना बशाना खड़ा होगा। आपके साथ मेनोरिटी विंग खड़ा है, क्योंकि मेरा विजन ये है, मेरे साथियों का विजन ये है कि हम सब पाकिस्तानी हैं सर। और दैट इज द ओनली रीजन कि हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन की। जब हम तकरीर करते हैं मेनोरिटी की मेजोरिटी की, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे आधे हकूक तो वहीं कल खो जाते हैं। इसलिए बाहैसियत पाकिस्तानी मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, मसीही कम्युनिटी है, या इसके अलावा जो दूसरे मजाहिब हैं इस्लाम से हट के, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की भरपूर हमायत करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं दूसरी पार्टीज को, तो जो डिलीवरेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने की वो अभी तक हमें और कहीं नजर नहीं आती। मेरी चौधरी सरवर साहब से और चौधरी शाफी साहब से मुलाकात हुई, पहली मुलाकात जिसमें अभी ये डिसाइड नहीं हुआ था कि मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन करनी है या मैं किस ओहदे पे आऊंगा, मेरे जिम्मे क्या जिम्मेदारियां होगी, तो मुझे सरवर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की ड्यूरिंग डिस्कशन। मैंने इनके साथ एक कंसर्न अपना डिस्कस किया कि किसी भी पार्टी की, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी नामवर पार्टी गुजरी हो, कभी किसी माइनॉरिटी के सदर को, चाहे वो मरकज का है या सूबे का है, उसको कोर कमेटी ने नहीं रखा गया। और जब कोर कमेटी में इतनी बड़ी वोटर तादाद को, जहां पे फैसले होते हैं, अगर वहां पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि हम हकूक की बात नहीं कर सकते। सो सर, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने ये बात की और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक और बड़ी खूबसूरत बात की जो आज मैं यहाँ बैठे हुए। प्लीज सुनिए,
ये बड़ी अहम बातें हैं इस मौके पे, क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त ऐसे दौरे पे खड़ा है जहाँ पे हमें ये फैसला करना है कि हमें अपने वोट का हक कहाँ इस्तेमाल करना है। यहाँ पर ये बात बड़े ध्यान से सुने कि सरवर साहब ने माइनॉरिटी के हवाले से अपनी बड़ी खूबसूरत बात की कि मैं उस दिन इन हकूक को मानूंगा जिस दिन मैं ये सोचूंगा कि एक आजाद टिकट पे, यानी जिस तरह हमारा एक मुस्लिम बहन भाई अपने हल्के से टिकट पे इलेक्शन लड़ता है, इसी तरह एक माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ऊपर टिकट पे इलेक्शन लड़े। सबसे पहले तो मैं इमरान कैफ भट्टी साहब आपको मुस्लिम लीग फैमिली में और अपने तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी के दोस्तों को और खास कर नौजवानों को, इसलिए कि ये मुल्क तो आप नौजवानों ने चलाना है, हमारे यूथ ने चलाना है, तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस गर्मी में, इस धूप में, इतनी बड़ी तादाद में आपका सब साथियों को इकट्ठे करना ये साबित करता है कि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के सही लीडर। तो मैं हमेशा से, मेरी एक सोच रही है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, हुकूमत हो, कोई अदारा हो, कोई सिंगल इंडिविजुअल उसको कामयाबी पे नहीं लेके जा सकता। ये सब अगर अच्छी आपकी टीम है तो आपका बिजनेस भी चल जाएगा, आपकी जो भी इंस्टीट्यूशन होगा चाहे वो चार्टी का है वो भी चल जाएगा, और मुल्क चलाने के लिए अगर अच्छी टीम हो तो मुल्क भी बेहतरीन तरीके से फंक्शन करता है। तो मैं जब मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आया था चौधरी शुजात साहब की लीडरशिप में, तो मैंने एक बात कही थी कि मेरा पाकिस्तान में आने का एक ख्वाब था, वो ये ख्वाब था कि मैं एक ऐसी सियासी जमात बनाऊं जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें मशावरत हो, जिसमें उहदे जो हैं खुशामद या सफारिश पे ना बांटे जाएं, उहदे जो हैं वो कारकर्दगी के लिहाज से दिए जाएं। तो मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि इमरान टाइगर भट्टी साहब, नौशेर खोकर साहब और इनकी पूरी टीम जो है मेरिट पे ये पंजाब मनार्टी बैंक के सदस्य जो हैं वो बने हैं, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मनार्टी कम्युनिटीज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बांड जो है और मजबूत होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो टोकन रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। मैंने और शाफी हुसैन साहब ने ये फैसला किया है कि मनार्टी कम्युनिटीज की हर लेवल पे एग्जेक्टिव में रिप्रेजेंटेशन होगी, जो फैसले हम करेंगे वो चाहे मनार्टीज के हवाले से हो चाहे मुल्क के हवाले से हो, उनकी मुशावरत जो है उन फैसलों में शामिल। और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि हमारी जो पार्टी है ये किसानों की पार्टी होगी, ये मजदूरों की पार्टी होगी, ये जो है ट्रेड यूनियंस की पार्टी होगी, ये नौजवान हमारे यूथ जो है ये इनकी पार्टी होगी, ये ख्वातीन जो है उनकी पार्टी होगी, और ये मनार्टीज की पार्टी होगी, और हम इंशाल्लाह इन सब के हकूक के लिए भरपूर तरीके से जद्दोजहद करेंगे। मैंने मेरिट की बात की है तो ये मुझे बड़ा इस बात पे फख्र है कि हमने सेंट्रल जो है हमारे यूथ विंग जो है पाकिस्तान का, उसकी लीडरशिप जो है हमने कामरान उस्मानी साहब को दी है, और जो कि मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यह साबित किया है कि वो नौजवानों के सही लीडर हैं, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग में यूथ को
रावल दस्ता जो है इंशाल्लाह बनाएंगे। राशिद रियाज साहब हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट हैं और अल्लाह के फजल व करम से मुझे इस बात पे फख्र है कि इन दोनों की जो अपॉइंटमेंट है वो भी मेरिट पे हुई है और इंशाल्लाह ये नौजवान जो है हमारे मुल्क का मुस्तकबिल भी साबित होंगे और हमारी तंजीम जो है उसको मजबूत बनाने में हमारे यूथ जो है एक अहम करदार जो है वो अदा करेंगे। यहाँ मियां वही साहब भी बैठे हैं और दोस्त भी बैठे हैं तो मैं इन सब का भी बहुत ही मशहूर हूँ कि हम थोड़े से अरसे में कम अज कम पूरी दुनिया में एक बात हो रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग में लोग कसीर तादाद में शामिल हो रहे हैं, लेकिन चंद हलकों में जो कि समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी चंद करप्ट पॉलिटिशियन है जो ये समझते हैं कि मुल्क शायद तबाह भी इन्होंने करना है और शायद बचाना भी है, उनकी एक शमूलियत तो इनके लिए बहुत बड़ी खबर होती है। लेकिन जब हजारों नौजवान, हजारों मजदूर, हजारों मिनॉरिटीज के लोग जो हैं हमारी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनको वो हेडलाइंस नहीं मिलती जो कि मैं समझता हूं कि मीडिया को देनी चाहिए। और मीडिया के दोस्तों से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जंग हम लड़ रहे हैं जब तक आप मुतवस्सत घरानों के लोग या नौजवानों को सियासत में आगे लेके नहीं जाएंगे तो ये जो आजमाए हुए सियासतदान हैं इनको बार बार आजमाने से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। तो इसलिए हम इंशाल्लाह नई पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और मैं आपको बिल्कुल यकीन के साथ कहता हूं कि मेरी ख्वाहिश कोई इख्तदार नहीं है, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक सियासी जमात बनाऊं जिसमें पार्टी के कारकुनों को वो इज्जत दी जाए जो दुनिया की महजब कौमों में मिलती है। पार्टी के लिए कुर्बानियां जो हैं बकर देते हैं, दरिया बिछाते हैं, कंपेन करते हैं, जेलों में जाते हैं, मारे खाते हैं, लेकिन जब इख्तदार की बंदरबांट होती है तो इन कारकुनों का इख्तदार में कोई हिस्सा नहीं होता। तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया तो हमारे इख्तदार में मजदूर भी शामिल होंगे, हमारी पावर में हमारे किसान भी शामिल होंगे, हमारी टीम में हमारी मिनॉरिटी के लोग भी शामिल होंगे और ख्वातीन जो कि मोर देन 50% है पाकिस्तान का वो भी शामिल होंगे। तो आखिरी बात करके मैं फिर कि मैंने बरतानिया में प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स शुरू की थी और मैं जिस हलके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब हुआ था उस हलके में 90% लोग जो थे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक थे, वो मसीही बरादरी के लोग। अगर वो लोग मुझे वोट ना देते तो मैं बरतानिया का पहला मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने मुझे बनाया था वहां। जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान बनने से लेके आज तक, पाकिस्तान जब बना था तो उस वक्त भी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया था और उसके बाद पिछले 75 सालों में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में हमारी मिनॉरिटी कम्युनिटी ने और हमारी क्रिश्चियन बरादरी ने एक बहुत रोल जो है वो अदा किया है। तो मैं फिर मीडिया के दोस्तों का भी बहुत मशहूर हूँ कि आप गर्मी में इतनी देर यहाँ पर बैठे हैं तो आपको ये गर्मी की मदद रखते हुए मैं अपनी बात जो है वो मुख्तसर करने जा रहा हूँ। जी, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी के दोस्त हैं उनको अभी मैं आई ओपन द हाउस जी फॉर क्वेश्चन। जी, क्या हम 2% है और क्या ये आईना अब जिस पार्टी में आप आके हमें जो 5% कोटा देंगे? नंबर दो सर ये है कि ये जो मिनोरिटी विंग है हमारी कम्युनिटी थोड़ा सा इरिटेट है,
ड्रिंक क्या मीनिंग एक शोल्डर है, तो हमारी कम्युनिटी में जब हम मीटिंग करते हैं वहाँ ड्रिंक को थोड़ा मुनासिब नहीं समझा, तो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा सर, ये हमारे जो नुमाइंदे हैं एमएनए और एमपी, ये क्रिश्चियंस की क्या तमाम मिनोरिटीज की ये डिमांड है कि इनको इलेक्शन से लिया जाए, कोई आगे वक्त मिले तो क्या आप इस पर गौर करेंगे? सॉरी किस चीज का? आपको मालूम है कि मुशर्रफ दौर में ये कानून पास हुआ था कि माइनॉरिटीज के जो लोग हैं वो डायरेक्ट अपने नुमाइंदे जो हैं वो चुने, उसका मैं सपोर्टर हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें ये नहीं चाहिए कि पार्टी जो है उन लोगों को अपनी मर्जी से चुन लें जिनके अवाम में कोई रूस नहीं, लेकिन उसके साथ साथ ही एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसके लिए मैंने बहुत बड़ी कंपेन भी की थी कि उनको मेन जो था वोट उससे उनको फारग कर दिया। तो मैं समझता हूं कि माइनॉरिटीज के पास दो वोट होने चाहिए कि अगर आप हल्के में, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर बरतानिया में इलेक्शन हो रहा है और माइनॉरिटीज कम्युनिटी उसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, या पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है और माइनॉरिटीज का मेरे हलके में वोट नहीं है, तो मैं माइनॉरिटीज के हकूक के लिए कैसे लड़ूं? तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि माइनॉरिटीज जो हैं वो मेन इलेक्शन में भी अपना वोट कास्ट करें। दूसरी बात, आपने माइनॉरिटी विंग की है, ये माइनॉरिटी विंग आजाद है, अगर ये अपना नाम जो है जो भी रखना चाहेंगे हमें इससे किसी किस्म का एतराज नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी कह रहा हूँ, देखिए जब तक आप मुत्तफिक नहीं होती माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने हकूक आप हासिल करने में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि मैंने माइनॉरिटीज के हकूक के लिए बरतानिया में जंग लड़ी और एक वक्त ये था कि बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन में, हाउस ऑफ लॉर्ड में कोई मुसलमान पार्लियामेंटेरियन नहीं था, ये कोई आसान टास्क नहीं था, बहुत मुश्किल ये जो है मरहला था और बहुत बड़ा ये चैलेंज। तो अगर आप लोग आपस में इत्तफाक कर लें तो मैं समझता हूं कि आपके बहुत से मसले भी हल हो सकते हैं। और मोर इम्पॉर्टेंट जो मेरी ख्वाहिश, अगर क्रिश्चियन और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के हवाले से अगर मेरी एक ख्वाहिश होगी तो वो ये होगी कि कोई दो तीन चार हल्कों में हमारे क्रिश्चियन भाई और बहने डायरेक्ट इलेक्शन पार्टी के टिकट पे लड़के असेंबली में पहुंचे, तो फिर मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में जब भी ये सही करने आ गए। जी जी, वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब मैं गवर्नर बना तो सबसे पहला मैंने ये काम किया कि मैंने तमाम अदारे जो हैं उनको खत लिखा कि हमने कोटा जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी को 5% दिया है, क्या वो 5% भी हम कोटा दे रहे हैं? तो यू बी सरप्राइज के 5% कोटा भी लोगों को नहीं मिल रहा है। पहली बात है जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप 100% इम्प्लीमेंटेशन करें, और दूसरा जो यूनिवर्सिटीज में दाखिले का था वो भी बड़ी कोशिश के बाद मैंने 2% जो है वो करवाया था, और मेरा ख्याल था कि जब 2% फेल हो जाएगा तो फिर हम 5% की भी बात जो है वो कर लेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि जब तक बच्चे जो हैं हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आला तालीम हासिल नहीं करेंगे तो उस वक्त तक कोटा उनको निचली सतह पे जॉब में तो मिलेगा, लेकिन जो बड़े जॉब हैं जो मॉडल करते हैं उनमें नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी तालीम जो है उसके लिए हमें जितनी भी फोकस करना चाहिए, जो भी कंसेशन देनी चाहिए, इंशाल्लाह हमारी पार्टी जो है उसके लिए जल्द से जल्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबका यहाँ पर मुस्लिम हाउस डेविस रोड तशरीफ लाने का शुक्रिया। इमरान टाटा साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के सदर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और उनकी टीम का शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उनका भी वही रोल है और उनका भी वही जिम्मेदारियाँ हैं, उनका भी वही हक है जितने पाकिस्तान में बाकी लोग रह रहे हैं उन्हीं के साथ। और उसमें मैं ये कहूँगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का पाकिस्तान में नर्सिंग के हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक रोल है। हमें अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह
नर्सिंग के कॉलेजेस जो हैं वो मजीद बनाएंगे ताकि पाकिस्तान भी जो है फिलीपीन की तरह वो मुल्क बन सके जहाँ से जो मेल एंड फीमेल नर्सेज हैं वो एक्सपोर्ट हो सकें। मगर उससे पहले पहले बड़ा ज़रूरी है कि जो यहाँ पर कमी है मेल और फीमेल नर्सिंग की वो पूरी की जाए। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि नए मेडिकल कॉलेजेस बने जाएं पंजाब में और हॉस्पिटल जो है उनकी बड़ी जो है कमी है। जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरह जनरल हॉस्पिटल जो हैं वो बड़े कम हैं, वो नहीं बनाए गए। इस तरह बहुत से और भी काम हैं मुख्तलिफ शोबों में जो होने वाले हैं। हम लोग दिन रात जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मेहनत कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से जो है कोई भी गवर्नमेंट हो उसको जो है उसको फ़रोग देना चाहिए। टेक्निकल कॉलेजेस के ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है। जिस तरह सारी उम्र के पैसे इकट्ठे करके बाहर जाया जाता है बाहर के मुल्कों में, अगर यहाँ पर ही सिस्टम हो टेक्निकल एजुकेशन का। मैं एक बार आप सबको ये कहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो मशहूर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो विजन है उसको आगे लेके चलें। और आप सब ने सबको मौका दे दिया हुआ है, अब आप लोग जो है हमें भी एक बार मौका दे के देखें। हमारा ये प्लान है कि सारे मिलके पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मजबूत करें ताकि आगे हमें चांस मिले तो पाकिस्तान को भी हम इंशाल्लाह मजबूत कर सकें। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इमरान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमरान साहब आपने अभी यहाँ मेजोरिटी की बात की, मैं अपने जितने भी मेरे यहाँ पे भाई बैठे हैं खास तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी से, हम तो आपके शुक्रगुजार हैं, आप हमारे मौसम हैं। ये आज की बात नहीं है, ये दरबार नजाशी बादशाह से लेके 30 जून 1947 तक का सफर जो है हम आपके हमेशा से शुक्रगुजार रहे हैं। आपके आपके दिमाग में होगा कि 30 जून 1947 जब पंजाब असेंबली का इजलास चल रहा था तो उस वक्त एक फैसला होना था कि पंजाब नए मुल्क का पाकिस्तान का हिस्सा होगा या कि वो इंडिया का हिस्सा होगा। उस वक्त तमाम वहां पर मेंबरान मौजूद थे, उसमें बड़े बड़े हमारे मुस्लिम लीग भी मौजूद थे, बड़े बड़े मजहबी रहनुमा भी मौजूद थे, बड़े बड़े पंडित भी मौजूद थे। और उस इजलास के अंदर आपके इलम में होगा कि मास्टर तारा सिंह ने अपनी म्यान से तलवार निकाल के एक बात कही थी कि कौन है जो ये कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, कौन है जो पंजाब पे टुकड़े करना चाहता है। लेकिन उस वक्त एक जवान एक सफेद पगड़ी में मलबूस बड़े बड़े मूछों वाला एक जवान वो उठता है, वो कहता है कि आए निकाले तलवार, मैं सामना करता हूँ, हम बनाएंगे पाकिस्तान, हम जाएंगे पाकिस्तान के साथ। वो थे सिंगा साहब क्रिश्चियन कम्युनिटी से। आज उस बात को जहन रखिए कि अगर लाहौर और उसके बाकी जिला और अटक तक पंजाब का हिस्सा ना होते उस वक्त ये इलेक्शन हम ना जीतते, क्योंकि 88 वोट थे एक तरफ, दूसरी तरफ 88 थे। जब 88 हुए तो सिंगा सिंह क्योंकि स्पीकर थे, उन्होंने अपना वोट जब ऐलान किया पाकिस्तान के लिए तो उस वक्त फजल अली साहब और फिसल चौधरी साहब ये तीन वोट क्रिश्चियन कम्युनिटी से पाकिस्तान के हाथ में आए और पंजाब जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। आप हमारे दोस्त हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। इमरान भाई ये जहन में रखिए कि ये वो जमात है कि जिसका पाकिस्तान बनाते वक्त भी आपने साथ दिया था और आज पाकिस्तान को बचाने का वक्त है। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें भी आपकी हमें उसी तरह जरूरत है और आप हमेशा हमारा आपके साथ दिया है, क्योंकि आपकी खिदमात को हम भुला इसलिए नहीं सकते कि वो हमारे कॉलेज हो, हमारा एजुकेशन का शोभा हो, पाकिस्तान के बड़े बड़े कॉलेज का नाम ले लें, वो मिशनरी के अंदर चलते रहे हैं। आप हॉस्पिटल को ले लें, आप सबसे बढ़ के नर्सिंग के शोबे के ले लें, मैं किस किस शोबे में आपकी खिदमात को सराहूं, क्योंकि मैं तो एक ही बात पे खत्म करूंगा क्योंकि टाइम मुझे 2 मिनट मिले थे। मैं एक ही बात कहूंगा कि आप हमारे मौसम हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो या कोई भी कम्युनिटी हो, पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है
ठीक है, एक दुकान मामला हो जाते हैं, आप नेबर कंट्रीज में भी देखते हैं बहुत से ऐसे मामला है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के भी अपने अंदर एक मोहब्बत का जज्बा जो है तमाम माइनॉरिटी के बीच में रहता है। आप अगर बुल्ले शाह को सुने तो बुल्ले शाह कहते हैं जहर देख के पीता तकी पीता, इस सोच के पीता तकी पीता, दिल देखे दिल लैन की आस रखी, वे बुलिया प्यार ऐसो दिया कीता तकी पीता। हम सब के लिए आइदर 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 इट्स मुस्लिम इट्स क्रिश्चियन सिख हिंदू व्हाटसोएवर द कम्युनिटी यू बिलोंग टू, हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ जज्बा यही है कि हम पाकिस्तान से बेलॉस मोहब्बत करते हैं। हम सारे जो आज यहाँ बैठे हैं ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं, और ये जो लीडरान बैठे हैं चौधरी सरवर साहब चौधरी शाफे साहब, ये पाकिस्तान के उन लीडर्स में से हैं जिसमें जिनके खिलाफ किसी माई के लाल के कभी जरूरत नहीं की करप्शन का एलिगेशन लगाने। ये वो फैमिलीज बैठी हैं जिन्होंने पंजाब से लेकर पूरे पाकिस्तान तक जब जब इन्हें मौका मिला इन्होंने हर तरह की तरक्की का काम किया। तो मैं इमरान टाइगर साहब आपको यूथ विंग पाकिस्तान की तरफ से अपनी मुकम्मल तालों की यकीन दहानी कराता हूँ, एंड राइट अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस बाय दी लीडरशिप हम आपके साथ खड़े होंगे। थैंक यू।